अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल नाजिया किचन तड़का में। आज मैं आपको देसी स्टाइल बैंगन का भरता बनाना बताऊंगी। ये बहुत टेस्टी बनता है, एक बार आप खाएंगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बार ट्राई करके देखना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जब तक हमारा ये बैंगन भुन रहा है, जब तक हम अपनी प्याज काट लेते हैं। ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं और ये बैंगन हमारा भुन चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपने बैंगन को छील के लेंगे। चलिए मैं आपको सारे मसाले दिखा देती हूँ। ये हमारा बैंगन है, इसको हमने छील के लिया है। ये प्याज, ये हमारी हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, और ये मैंने फ्रीजन मटर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो ना भी डालें। और ये टमाटर, और ये थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि हमने लाल मिर्च भी ली है इसलिए हमने थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये बस थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपका बैंगन ज़्यादा है तो आप ये सारी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने एक बैंगन लिया है इसलिए मेरी क्वांटिटी कम है। अगर आप ज़्यादा है आपका, ठीक है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने रिफाइंड डाला है। अगर आप सरसों का तेल पसंद करते हैं तो आप सरसों के तेल में बना सकते हैं, लेकिन मैंने रिफाइंड डाला है। और थोड़ा ज़्यादा डालें, क्योंकि ये जो हम बैंगन का भरता बनाते हैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा तेल डालते हैं, उससे ये और अच्छा बनता है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये देखिए प्याज को पकते पकते 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर के ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जिससे जल्दी से टमाटर गल जाए। आइए देखते हैं, टमाटर थोड़ा गल गया है, अब हम इसमें हमारे सारे ये मसाले ऐड कर देंगे। मसालों के ऊपर से ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, और हम इसे अब 2 मिनट पकने देंगे। मसाला हमारा भुन रहा है। अगर आप इसमें मार्केट वाली मटर डालना चाहते हैं तो आप इसके साथ ही अपनी मटर भी डाल दें, ताकि वो भी साथ गल जाए इसके साथ ही साथ। लेकिन मैं फ्रीजन वाली मटर डालूंगी इसलिए मैं उसको बैंगन के साथ ही ऐड करूंगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और मसाला भी हमारा भुन गया है। अब हम इसमें हमारे बैंगन ऐड कर देंगे, और बैंगन के साथ ही हमारी मटर और हरी मिर्च और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इस